हिंदू वाहिनी की एक बैठक गुरुवार को विजय चौराहा स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 25 अगस्त को गोरखपुर आने वाले स्वर्गीय वाजपेयी की कलश यात्रा को सफल बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान रामभूहाल कुशवाहा, ऋषि मोहन वर्मा, अजीत वर्मा, रणविजय सिंह सहित वाहिनी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ऋषि मोहन वर्मा ने कहा, आगामी 25 तारीख को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश यात्रा के संदर्भ में जो 25 तारीख को गोरखपुर में कलश आने का पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश करेंगे, आज उसी के संदर्भ में बैठक रखी गई है। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रमुख बातों पर विचार तो होना है कि 25 तारीख को कार्यक्रम का किस तरह से हम लोग पूरे जोर शोर से प्रत्येक वार्डों से अपने कार्यकर्ता और जो सूची तक, क्योंकि अटल जी किसी दल से नहीं थे, किस तरह से उनकी मृत्यु के बाद सारे दलों का एक साथ जाना, सारे दलों का टूट कर और अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित होना, ये दर्शाता था कि अटल जी केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, भारतवर्ष के ही नेता नहीं, पूरे विश्व के नेता थे। वार्ड में अगर आप अपने कार्यकर्ताओं के अलावा वहाँ आम जनमानस से अगर निवेदन और आग्रह करेंगे तो आपकी संख्या अपने आप बढ़ती गई है। उस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज से जो निकलना है वो तो निकलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ डीजे टावर के पास उस जलूस का अगुवानी करेंगे, उस वर्षा करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ गोरखपुर क्लब में, नेपाल क्लब में पहुंचेंगे, जहाँ पे गोरखपुर के महाराज जी का संबोधन होगा और उस कार्यक्रम संबोधन के बाद कलश यात्रा निकल के राजघाट पे जाएगी, वहां तक हम लोगों को उस कलश यात्रा का हिस्सा बनना है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके दिवंगत होने के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन भारत के प्रमुख नदियों में हो रहा है। इसी क्रम में उनकी अस्थि कलश यात्रा गोरखपुर भी आ रही है और यहाँ के राप्ती नदी में विसर्जित होना है आगामी 25 अगस्त को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी कार्यक्रम यहाँ पर लगा हुआ है और वो भी इस कलश यात्रा में शामिल होंगे और गोरखपुर क्लब में एक विशाल सभा का आयोजन होगा। उस आयोजन में हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और बाद में सभा समापन के बाद उस कलश यात्रा में भी शामिल होंगे और अंतिम इस यात्रा में अटल जी के पूरे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता प्राण पल से लग के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।